नमस्कार, मैं मुकेश माथुर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्रसिद्ध एक्टर और बहुत सहज सरल अभिनय करने वाले एक कलाकार, एक टीवी शो में उनसे पूछा गया, बॉलीवुड की रिवायतें बदलनी हो तो सबसे पहले क्या बदलेंगे? उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मेरा बस चले तो मैं इसका नाम बदल दूं, बॉलीवुड। बॉलीवुड क्यों होना चाहिए? हिंदी फिल्मों का की इंडस्ट्री, हिंदी फिल्मों की कर्मभूमि, उसका नाम बॉलीवुड क्यों होना चाहिए? दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो रोमन में मिलने वाली स्क्रिप्ट देवनागरी में मिलने लगे, ऐसा मैं कुछ कर सकूं। धूमिल होते हुए स्टारडम, ओटीटी पर नए सितारों का उदय और दक्षिण की धमक, दक्षिण की फिल्मों का प्रभुत्व, उस सब के बीच बर्बाद होते बॉलीवुड के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यह वाक्य आत्मावलोकन का बेहतरीन अवसर हो सकता है। अंग्रेजी में सोचने वाली एक इंडस्ट्री जो पर्दे पर हिंदी भाषी की संवेदनाएं प्रस्तुत करती आई है, एक किस्म की बेईमानी। हाँ, मैं इसको बेईमानी मानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि भाषा कभी भी बाधा नहीं हो सकती चीजों को व्यक्त करने में, लेकिन 80 के दशक के बाद से बॉलीवुड दर्शक से दूर होता चला गया है। फिल्मकारों की खुशकिस्मती यह है बॉलीवुड की कि दर्शकों के पास सिवाय उसके थोपे हुए कंटेंट के देखने के लिए कुछ और नहीं था। उन्हें यह बात बखूबी मालूम भी थी, तभी तो बेशर्मी से एक फ्लॉप फिल्म देने के बाद अगली फिर उसी फॉर्मूले पे बना डालते थे, हम देख भी लेते थे। बड़े कैनवास और पीरियड फिल्मों के लिए जाने जाने वाले एक आत्मविभोर निर्देशक, उनकी एक बड़ी फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई, चली नहीं। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्यों आपकी ये फिल्म फ्लॉप कैसे होगी जबकि आपकी पिछली फिल्में काफी चली है। उन्होंने जवाब दिया कि दर्शकों को मेरी फिल्म समझ नहीं आई। ऐसा अहंकार! सर, आप आत्ममुग्धता में हमसे कोसों दूर जा चुके हैं। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो महान है बिना ये देखे कि दर्शक को क्या चाहिए? तो आप अपनी आत्ममुग्धता में हमसे कोसों दूर चले गए। समझा आप नहीं पाए और दोष हम हमारी समझ को दे रहे हैं, दर्शकों की समझ को दे रहे हैं। आप जब दक्षिण का सिनेमा आज जब राज कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि वहां के सिनेमा में देश की आत्मा बसती है, पुष्पा, मां, मंदिर, गांव, गलियारे, किरदार देखकर लगता है कि हमारे आसपास की कहानी है, एक कनेक्ट जो बॉलीवुड में मिसिंग है। ओटीटी पर पाताल लोक एक सीरीज आपने देखी होगी, इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, व्यवस्था से हताश, परिवार में उपेक्षित एक हरियाणवी पुलिस ऑफिसर, जयदीप अहलावत ने उस किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया और हमारे बॉलीवुड के दबंग, ओवर एक्टिंग की दुकान, हमारे सुपरस्टार बाहें फैलाकर अपने स्टारडम के गुमान में कचरा फेंकते चले जाते हैं, घटिया फिल्में बनाए चले जाते हैं। ये अंतर है ओटीटी, साउथ इंडियन और बॉलीवुड में। आखिरकार इस मन मर्जी के विकल्प मिले। बॉलीवुड की सारी जमात नशे में डूबी रहती है, इसके प्रमाण भी मिले। कोविड की मार पड़ी हर क्षेत्र पे, पड़ी बॉलीवुड पे भी पड़ी, इनकी फिल्मों पे पड़ी, और सोशल मीडिया पर दर्शक मुखर हुए। ध्यान रखिए, वो जमाना गया जब आप कोई भी मीडिया वन वे बात करता है, आपको आपके यूजर, आपके दर्शक, आपके पाठक, उनकी सुननी पड़ेगी। वो आपको हर दिन अगली सुबह या रियल टाइम में आपको बताएंगे कि आप जो मेरे पास जो भेज रहे हैं, आप जो मुझे दिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसमें मुझे एक एजेंडा नजर आ रहा है, या आप मुझे कचरा परोस रहे हैं बिना ये जाने कि मेरी जरूरत क्या है, मैं क्या पढ़ना, देखना, सुनना चाहता हूं। फिर धर्म, देश और आस्थाओं के साथ बॉलीवुड का खेल भी सामने आने लगा। सबसे ताजा उदाहरण एक खेल की ही फिल्म का, रणवीर सिंह की 83। भारत का मैच देखने के लिए पाकिस्तान के सैनिक, रेंजर सीमा पार से गोलीबारी रोक देते हैं, कोई भरोसा करेगा? जानबूझकर गढ़ा हुआ झूठ। नतीजा क्या हुआ? फिल्म कम चली और बायकॉट 83 का हैशटैग ज्यादा चला। यह सब बेईमानियां नहीं है तो क्या है, बताइए आप? जिस दर्शक की बदौलत आप जमे हुए हैं, उसके साथ जीरो इंटीग्रिटी, आप कोई सद्भाव नहीं, कोई समझने की कोशिश नहीं, उल्टा उसके साथ आप धोखा कर रहे हैं, उसे झूठ परोस रहे हैं। न्यू इंडिया के वनाबी भारत कुमार आप जानते ही हैं, पान मसाले के विज्ञापन पर माफीनामा। पहले पूरे हीरो की तरह पान मसाले के विज्ञापन में आते हैं, छा जाते हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाते हैं, और फिर वो माफीनामा एक अच्छा सा बढ़िया वेल रिटर्न
अच्छी सी भाषा में बना हुआ डालते हैं कि गलती हो गई। इससे पहले मिलेनियम स्टार हमारे, उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, ओह मुझे पता नहीं था कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। आप सरोगेट एडवर्टाइजिंग जानते हैं, तो शराब के विज्ञापन टीवी पर या मैगजीन में नहीं आ सकते, लेकिन पानी का आ सकता है, तो वो पानी सोडा करके वो अपना विज्ञापन देता है, वो भी गलत है, इसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो हमारे मिलेनियम स्टार ने बड़े भोलेपन से कहा कि ओह मुझे पता नहीं था कि मैं जिस पान मसाले के एक उत्पाद का, जो कि पान मसाला नहीं था, वो जो प्रोडक्ट था उसका विज्ञापन कर रहा था, वो एक तरह से सरोगेट एडवर्टाइजिंग की श्रेणी में आता है। उन्होंने बड़े भोलेपन से ये कहा और कहा कि मैं अब नहीं करूंगा। वो विज्ञापन अभी भी टीवी पर चल रहा है, आईपीएल के बीच ब्रेक में देखते ही होंगे। बॉलीवुड का अपना एक गाना है, जब उनके अच्छे दिन थे बॉलीवुड के उस समय का, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक यह भी जानती है कि उक्त दोनों स्टार चलती फिरती कंपनियां हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो चलती फिरती कंपनियां हैं, पेशेवरों की लंबी चौड़ी टीम उनके साथ काम करती है। एड और अफसोस दोनों वेल प्लान्ड हैं, पूर्व नियोजित सोच कर किए हुए। सितारे भी इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं, गलतियां करने का उन्हें पूरा हक है, लेकिन जनता को बेवकूफ समझने का हक उन्हें किसने दिया? दक्षिण के सितारों की पूजा उनके ऑफ स्क्रीन जीवन के कारण भी होती है। पुनीत राजकुमार, चार दर्जन स्कूल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, गौशालाएं वो चलाते थे, सैकड़ों बच्चों को वो अपने खर्चे पर शिक्षा दिलाते थे। बॉलीवुड में भी अपवाद होंगे, बहुत सारे काम करते होंगे लोग, लेकिन ये भल मनसाहत से बड़ी लाइन जो है ये स्वेच्छाचारिता की खिंच चुकी है। करण जौहर, उन्होंने पहली बार सिखाया कि बॉलीवुड को भारत के मार्केट से ज़्यादा ओवरसीज मार्केट पे फोकस करना चाहिए, अच्छी रेवेन्यू, अच्छा पैसा। अब वो राजामौली की फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं। हॉलीवुड विचार उत्तेजक विषयों पर बहुत सारी फिल्में बनाता है हॉलीवुड, और सारे विवादित विषय, वो विषय जिनमें जिनको लेकर मेरे मन में, दर्शक के में बहुत सारी उत्सुकता है, उन पर फिल्में बनाता रहा है, जिसपे ऐसी फिल्में जिसपे बाद में लंबी चौड़ी डिबेट होती है, मामले की तह तक जाने की कोशिश होती है, क्यों नहीं होनी चाहिए ऐसी फिल्में, क्यों नहीं बननी चाहिए। कश्मीर फाइल्स बनी तो क्यों इतनी चली? उसका एक बड़ा कारण ये था कि यहाँ का भारत का दर्शक भी एक मैच्योरिटी के एक लेवल पे है, एक परिपक्वता के स्तर पे है, वो भी सब तरह के विषय देखना चाहता है, कि बाहें फैलाए हुए और वो फॉर्मूला फिल्मों से आगे बढ़ना चाहता है। हमें भी ज्वलंत कहानियाँ चाहिए, नए विषय चाहिए, लेकिन बॉलीवुड सपनों की दुनिया से बाहर तो आए, भारत और भारतीयता की आत्मा, भारतीयता की जड़ें छूने की कोशिश तो करे, करेगा क्या? नमस्कार।